हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम फुल रिव्यू करने वाले हैं वन प्लस नोट सी थ्री लाइट 5G फ़ोन के बारे में। क्या ये फ़ोन मल्टीपर्पज़ के लिए बना है या फिर पर्टिकुलर किसी निश के ऑडियंस को टारगेट करके बनाया गया है, लाइक गेमर्स के लिए या कैमरा फ़ोन जो ढूंढ रहे हैं उनके लिए। तो दोस्त, ये फ़ोन किसको टारगेट करके बनाया गया है या फिर ये मल्टीपर्पज़ के लिए बनाया गया है जिसमें सभी काम आप कर सकते हैं, लाइक आप गेम भी खेल सकते हैं, कैमरा भी अच्छा आपको मिल जाए और हैवी सॉफ्टवेयर भी आप रन कर पाएँ। क्या एक ऐसा फ़ोन है या फिर दोस्त पर्टिकुलर किसी ऑडियंस को टारगेट करके बनाया गया है? तो चलिए इसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम जान लेते हैं कि ये फ़ोन पर्टिकुलर किसके लिए बनाया गया है या फिर मल्टीपर्पज़ फ़ोन है, क्या आपको इसे कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कम्प्लीट इस वीडियो पर आपको जानने को मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को देखिए। तो गेमिंग फ़ोन के लिए आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, उसके बाद ये जानेंगे कि क्या ये फ़ोन में दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो यदि आप एक गेमिंग फ़ोन ढूंढ रहे हैं दोस्त, तो आपको फ़ोन में क्या चाहिए? तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है फ़ोन में आपको प्रोसेसर, आपको प्रोसेसर होना चाहिए स्नैपड्रैगन का। अगर अपडेटेड प्रोसेसर है, लेटेस्ट प्रोसेसर, तब तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है आपके फ़ोन में, तो आपको बता दें कि ये स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग एक्सपीरियंस देते हैं। तो आपको बता दें कि जिन भी फ़ोन में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होता है, यदि वो फ़ोन आज जितना एक्सपीरियंस आपको दे रहे हैं उतना है आपको 2 साल बाद भी एक्सपीरियंस देगा। दोस्त, फोन में है स्नैपड्रैगन का अपडेटेड प्रोसेसर, 5G प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का, जो कि दोस्त आपको पता है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लॉन्ग लास्टिंग होता है। जितना एक्सपीरियंस आज आपको नए फोन में मिल रहा है उतना ही एक्सपीरियंस आपको 2 साल बाद भी मिलेगा। तो ये फ़ोन प्रोसेसर के मामले में बेस्ट है। अब बात करते हैं कि अगर प्रोसेसर बेस्ट है, तो अगर किसी फ़ोन का प्रोसेसर बेस्ट है और डिस्प्ले बेस्ट है तो वो बैटरी बहुत कम ही कंज्यूम करता है, ठीक है। और उसका अगर प्रोसेसर बेस्ट है तो कैमरा का एक्सपीरियंस भी बहुत ही बढ़िया होता है। तो दोस्त, मैं आपको बता दूँ कि फ़ोन में सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि उसमें प्रोसेसर किसका है, और प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का हो या फिर मीडियाटेक का अगर मिल रहा है आपके फ़ोन में, तो उसमें जो है दोस्त अपडेटेड यानी लेटेस्ट प्रोसेसर होना चाहिए। बाकी स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर बहुत ही बेस्ट प्रोसेसर होता है, आप कंसीडर करिए कि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर ही आपके फोन में हो। तो ये फोन आपको स्नैपड्रैगन का 5G अपडेटेड प्रोसेसर देता है। अब बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी दोस्त अगर यहाँ पे कम एमएच की भी होगी तो चल जाएगी, बट इस फोन में 5000 mAh की बैटरी भी मिल रही है, जो कि बेस्ट है। अब बात करते हैं कि जब प्रोसेसर बेस्ट है तो बैटरी कम कंज्यूम ऑफकोर्स करेगा, अगर यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी भी है तो आपको अच्छा लॉन्ग लास्टिंग एक्सपीरियंस देने वाली है। अब दोस्त यहाँ पे बात करें फास्ट चार्जिंग की, तो यहाँ पर 15W के चार्जर भी बहुत अच्छा चार्ज कर देते हैं आपके फोन को, पर आपको 67W का फास्ट चार्जर मिलता है जो कि आपको फोन को 15 से 20 मिनट में ही फुल चार्ज कर देगा। अब बात करते हैं दोस्त यहाँ कैमरा की, तो कैमरा में आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा, 108 MP का बैक कैमरा मिलता है, जो कि दोस्त आईफोन और सैमसंग के सेल्फी कैमरा फ़ोन को भी टक्कर दे देता है। आपको भी पता है कि वन प्लस का फ़ोन जो है सैमसंग और आईफोन को भी टक्कर देते हैं। अब दोस्त बात करते हैं डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट क्या है, तो 120Hz का रिफ्रेश रेट है, जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है। बात करें रिफ्रेश रेट की दोस्त, यहाँ पर 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है आपकी गेमिंग के लिए। एक भी लैगिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि दोस्त यहाँ पर आपको बढ़िया प्रोसेसर मिलता है, रिफ्रेश रेट मिलता है, और दोस्त आपको मिलता है 8GB का रैम। रैम और रोम भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 8GB का रैम, 128GB का स्टोरेज मिलता है, ये अंडर 20K में। अगर आप 20K प्लस वाला लेंगे यही वेरियंट को, तो दोस्त आपको वहाँ 256GB का स्टोरेज मिल जाएगा और रैम सेम रहेगी। तो दोस्त यहाँ पर आपको बता दें कि इतना सफिशियंट है, आप अंडर 20K लीजिए और 8GB रैम जो है बहुत है, और 128GB की आपको स्टोरेज बहुत है। अगर आप जो है एक मल्टीपर्पज़ फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो इतने में ही आपका काम बढ़िया चल जाएगा। अब दोस्त बात करते हैं कि ये क्या गेमिंग फ़ोन या कैमरा फ़ोन पर्टिकुलर किसी ऑडियंस को टारगेट करके बनाया गया है? तो जी नहीं, ये मल्टीपर्पज़ के लिए फ़ोन है। आप यदि गेमर्स हैं या फिर कैमरा फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो ज़रूर इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोसेसर भी बेस्ट है और यहाँ पर बैटरी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आपका फ़ोन आता है। अब दोस्त यहाँ पर USB का पोर्ट भी मिल जाता है, आपको ऑडियो जैक भी मिलता है, और बहुत सारे फीचर्स हैं जो मिलते हैं आपके फ़ोन में, उनको आप खुद स्पेसिफिकेशन में चलिए आप स्क्रीन में आकर देख सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन में मैं लगा दूंगा तो आप देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको बता दूँ मेरा जो ओपिनियन है, ऑनेस्ट ओपिनियन है, कि गेमिंग फ़ोन के लिए लेना चाहिए या फिर सेल्फी कैमरा के लिए लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो दोस्त ऑफकोर्स आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा, आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बाकी हमारे चैनल पर ऐसे कोई भी वीडियो नहीं मिलेंगे जिस पर आपको जो है बाद में एक्सपीरियंस बेटर ना मिले जो फ़ोन लेने के बाद। पिछले 5 साल से मोबाइल शॉप में मैं खुद काम कर रहा हूँ, तो हमें पता है कि यूज़र्स को क्या क्या प्रॉब्लम आती है फ़ोन में और ज़्यादा किस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपको फ़ोन में क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। यदि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, हमारे चैनल के साथ जुड़ भी जाते हैं और फ्यूचर में आप फ़ोन लेने की सोच भी रहे हो, तो दोस्तों आपको वही फ़ोन मैं रिकमेंड करूँगा जो आपके लिए बेस्ट हो। अगर मैं बात करूँ इस वन प्लस नोट सी थ्री लाइट 5G फ़ोन के बारे में, इस टाइम ये फ़ोन बेस्ट है। हैंडलिंग के ऊपर है, किस तरह से आप हैंडल करते हैं फ़ोन को, किस तरह से मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि दोस्त आप जो है बैटरी को अच्छे से मेंटेन करके नहीं रखेंगे, लाइक
कि यदि आप इसको 90 से 92% तक चार्ज रखते हैं, फिर उसके बाद आप बंद कर देते हैं, आप समय समय पर क्लीन करते रहते हैं, आप रिस्टार्ट करते रहते हैं समय समय पर, अपने फ़ोन का मेंटेनेंस सही रखते हैं, तो दोस्त आप इसका लॉन्ग लास्टिंग यूज़ कर सकते हैं। अब बैटरी आपका ज़्यादा, अगर हीटिंग की बात करें, इसमें हीटिंग इशू जो सबसे ज़्यादा फ़ोन में आते हैं, तो इसमें हीटिंग इशू भी इतना देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्त यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है, दोस्त यहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, और मिलता है यहाँ पर अच्छी बैटरी, फास्ट चार्जिंग, और दोस्त यहाँ पर अच्छा रैम मिल जाता है आपको, जिसकी वजह से आपका फ़ोन का एक्सपीरियंस बेटर इन्हेंस होता है और आप बेटर एक्सपीरियंस ले पाते हो फोन का, स्मूथ चलेगा आपका फ़ोन और आपका कैमरा भी बेस्ट है, तो आपको एक बार जरूर कंसीडर करना चाहिए। बाकी की स्पेसिफिकेशन आप स्क्रीन में देख सकते हैं फ्रेंड, इस फ़ोन का जो भी स्पेसिफिकेशन है ये आपके सामने मेंशन है, आप इसे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जो जो भी चीज़ आपको फ़ोन में मिलेगा वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी आप इस फ़ोन के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में और चीज़ें जानना चाहते हैं, आप इस फ़ोन को पर्टिकुलर गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो भी चीज़ आपको इस फ़ोन में मिलता है। तो आप देख सकते हैं इसका वज़न भी 195 ग्राम है और बैटरी जैसे मैंने बोला था 5000 mAh है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाती है। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए।